रेवाड़ी में चोरों ने पुलिस को सीधी चुनौती दी है। चोरों ने बीती रात पुलिस लाइन के बिल्कुल सामने SBI की ATM मशीन में सेंधमारी की है और कटर से जो मशीन थी मशीन को काट कर 21 लाख रुपए और 43,000 यहां से चोरी किए गए हैं। SBI बैंक की यही ATM है जो रात भर खुली रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ATM मशीन पर यहाँ पर इस बूथ पर कोई सुरक्षाकर्मी नहीं रहता, जिसके कारण उनको पहले भी अंदेशा था कि यहाँ इस तरह की वारदात हो सकती है। आपको दिखाना चाहूँगा कि पुलिस लाइन के गेट के बिल्कुल सामने ये ATM मशीन है, जहाँ सुरक्षा के लिहाज से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब पुलिस लाइन के सामने ही इस तरह की वारदात को चोर अंजाम दे जाते हैं तो उसे साफ है कि पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा। प्रदीप सूरी, प्रदीप जी, कैसे क्या हुआ है जो यहाँ पे क्या रात को इसमें ATM में चोरी हो गई है, इसका कैश जो था वो सारा ले गए यहाँ से निकाल कर। इसमें था जी 21,43,700। बैंक की तरफ से कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह? बैंक की तरफ से कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। आखिर क्यों लगातार इस तरह की वारदातें हो रही है और बैंक की तरफ से कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता? बैंक की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, हमने इसमें सिक्योरेंस सिस्टम लगा रखा है, HD कैमरे लगे हुए हैं जी। उस वजह से अब जांच में लगे हुए हैं, देख रहे हैं उसको कार्रवाई करेंगे। अभी अंडर प्रोसेस है, फुटेज वगैरह सारा कुछ निकल रहा है, बंदे लगे हुए हैं, टीम कर रही है काम इसके ऊपर। बाकी जो अगर इसके अलावा कुछ और मिलता है हम आपको बताएंगे। दिल्ली रोड के ऊपर ATM SBI का ATM है, तो CCTV फुटेज के आधार पर जो देखने में आया है कि एक कैंपर आया है और उसमें से 3-4 कल्प्रेट्स आए अंदर, जो ही घुसे, शटर को नीचे डाउन कर लिया, स्प्रे मार करके और लाइट वगैरह काट दी और 21,43,700 रुपए चोरी करके ले गए। पुलिस इसमें लगी हुई है, ऑल आउट FSR कर रहे हैं, फुटेज ले रहे हैं और कल्प्रेट्स तक जल्दी ही पहुँच गए और उनको काबू किया जाए। सर, क्या यहाँ पर कोई वॉचमैन था? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ नहीं था। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये होता है कि ठीक पुलिस की नाक के नीचे और पुलिस लाइन के बड़ी वारदात हो जाती है। पुलिस अपना काम कर रही है चारों तरफ से और इसको जल्दी ही ट्रेस आउट कर लिया। CCTV फुटेज भी कोई सामने आए हैं? वो इन्वेस्टिगेशन मैटर है, वो सब उन पॉइंट्स पे किए जाएंगे। तो बूथ जो संचालित करी जाएंगे उसके खिलाफ भी कार्रवाई जैसे पीछे आपने किया है पहले? हाँ, उन सभी पॉइंटों पे कार्रवाई की जाएगी।